वेलकम टू एस के यू डिजिटल क्लासेस। मेरा नाम प्रतीक्षा तिवारी है और मैं डिपार्टमेंट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से हूँ। आज हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 पढ़ेंगे, यानी हम लोग जो सेकंड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं बीटेक में। और हम जो आज टॉपिक पिक कर रहे हैं वो है फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। तो आइए शुरू करते हैं फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, इसमें सबसे पहले जो आप लोगों ने बेसिक 12th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर करके हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर क्लास 12th में हम लोगों ने और क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिसमें हम लोग जिसको कॉम्प्लेक्स नंबर को हम अधिकतर जेड से डिनोट करते हैं, वेयर जेड इज कॉम्प्लेक्स नंबर और वी कैन से डेट अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। ओके, अब जो एक्स है हमारा वो हमारा रियल पार्ट है और जो हमारा वाई है वो हमारा इमेजिनरी पार्ट को डिनोट करता है। ओके दोस्तों, अब उसके बाद जो ये आई है इसको हम लोग नॉर्मल अल्फाबेट टर्म में, जो इंग्लिश वाले अल्फाबेट है उसमें तो आई से डिनोट करते हैं, बट मैथमेटिकल टर्म में हम इसको आयोटा बोलते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है आयोटा की वो -1 होती है। अब इसके आगे अगर मैं बोलूं आप लोगों को, जेड जो कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर मैं आप लोगों को ये चीज़ बोलूं कि एक किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को या कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को आप ग्राफ में मुझे रिप्रेजेंट करके बताएंगे, तो आप कैसे बताएंगे इस चीज़ को? अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ये चीज़ बताई थी कि जो ये वाला पार्ट होता है, ओके, ये हमारा रियल पार्ट होता है और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। यानी कि जो हमारा एक्स टर्म है, एक्स प्लस आयोटा वाई, यही चीज हमने पढ़ी है अभी इसके पहले, जो कि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है। यानी जो एक्स वाला टर्म है, एक्स एक्सिस है हमारी, इसको क्या मैं रियल एक्सिस बोल सकती हूँ? और जो ये हमारा वाई वाली एक्सिस है इसको मैं इमेजिनरी एक्सिस बोल सकती हूँ? ओके, अब इसके ऊपर हम लोग देख रहे हैं कि थ्री यानी क्या है, ये रियल एक्सिस में है हमारा। यानी हम कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ से 0, 1, 2 और 3, यानी ये रियल एक्सिस में हमने डिनोट कर दिया है। अब इसके बाद है 2 आयोटा। आयोटा का मतलब है ऑटोमेटिकली हमें इमेजिनरी एक्सिस में उस चीज़ को डिनोट करना है, यानी इसको हमें वाई एक्सिस में डिनोट करना है। और 2 है यानी यहाँ पर 1 और यहाँ पे 2। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हमारा रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस में हमारे ये कार्टेशियन फॉर्म में हो गए। याद रखिए दोस्तों, जब हम जेड यानी 3+2 आयोटा बोल रहे हैं, इस फॉर्म को यानी x प्लस आयोटा वाई वाले फॉर्म को हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ओके, इसको हम कार्टेशियन फॉर्म बोलते हैं। ये तो मैंने आपको कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे दी जो हम लोगों ने क्लास 12th में पढ़ी है। तो अभी तक हम लोगों ने, अभी तक बेसिक 12th क्लास तक का जो भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या कहलाता है, रियल पार्ट क्या कहलाता है, इमेजिनरी पार्ट क्या कहलाता है, रियल एक्सिस क्या कहलाता है, इमेजिनरी एक्सिस क्या कहलाता है, अब ये सब तो हम लोगों ने क्लास 11th और 12th तक बेसिक एक एजुकेशन ली थी। अब लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन है, मैम इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्वेश्चन कैसे आते हैं, यानी हमारे सेमेस्टर्स एग्जाम में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हम इसके आगे और क्या पढ़ते हैं? तो सबसे पहले क्वेश्चन फॉर्म होता है, सो डेट द फंक्शन, कोई भी हमको एक फंक्शन दिया रहेगा, फंक्शन इज एनालिटिक और नॉट, हमको ये चीज फाइंड करनी। अब फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है ये चीज हम कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हम लोगों को सीआर इक्वेशन यानी काउची रीमन इक्वेशन पढ़नी होगी, जिसको कंपेयर करके अगर वो दोनों चीजें इक्वल आती हैं तो हमारा फंक्शन है वो एनालिटिक हो जाएगा, और अगर इक्वल नहीं आती है इट मींस फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। ठीक है, सबसे पहले तो अब हम पढ़ेंगे सीआर इक्वेशन, फुल फॉर्म है इसका काउची रीमन इक्वेशन।
अब इसको कैसे हम लोग डिनोट करेंगे, एक हम लोगों ने उसके पहले थोड़ी एक और चीज़ आप पढ़ लीजिए जिसको कहते हैं यू प्लस आयोटा वी। यानी अभी तक मैंने आप लोगों को बताया था कि जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है, तो ये तो मैंने आप लोगों को समझा दिया था कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब मैंने अभी एक और नई चीज़ लिख दी है एफ जेड क्या, यानी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल। क्या लिखूंगी मैं इसको यहाँ पे, फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, और यहाँ पे जो u होगा हमारा वो क्या होगा, फंक्शन ऑफ रियल पार्ट, और यहाँ पे जो हमारा v होगा वो होगा हमारा फंक्शन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये तीन चार चीज़ें आपको समझ में आई। अगर किसी भी फंक्शन के आगे, किसी भी जेड के आगे अगर मैं f डिनोट कर देती हूँ या f लगा देती हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा, वो f हमारा कुछ नहीं सिर्फ फंक्शन को डिनोट कर रहा है, यानी फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। ठीक, अब इसके बाद है u, u भी हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ रियल पार्ट को डिनोट कर रहा है, v हमारा फंक्शन ऑफ इमेजिनरी पार्ट को डिनोट कर रहा है, क्योंकि हमने क्या बोला, जो हमारा क्वेश्चन है सो डेट द फंक्शन, यानी फंक्शन x यानी ये रियल वाला पार्ट है, इसके साथ यहाँ पे हमें आयोटा दिखाई दे रहा है, यानी ये चीज़ जो है ये इमेजिनरी वाला पार्ट है हमारा, उसके साथ v, ओके? अब इसके आगे काउची रीमन इक्वेशन में क्या है, मैंने आपको u बता दिया एंड v बता दिया, अब इन्हीं दोनों चीज़ों को जानते हुए और मैंने आपको x भी बता दिया और y भी बता दिया, अब ये दो तीन चीज़ें जो हम लोगों को पता है इसी से हम CR इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। कैसे, u और v, ठीक, u ये हमारा फंक्शन है और z यानी x ये रियल पार्ट है, और इसके नीचे हम लिखेंगे y, ठीक है। अब पहली इक्वेशन, CR इक्वेशन में दो इक्वेशंस होती हैं, तो पहली इक्वेशन में u यानी du अपॉन dx या डेल u अपॉन डेल x, और v के नीचे क्या है हमारा y, यानी v भी हमारा रियल इमेजिनरी पार्ट है और u भी हमारा, y भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो अब हम क्या लिखेंगे, डेल v अपॉन डेल y, ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ काउची रीमन इक्वेशन। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओके? क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या होगा, डी यू अपॉन डी वाई होगा हमारा क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी डी यू अपॉन डी वाई और फिर डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स। बस इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है जब हम डी वी अपॉन डी एक्स लिखते हैं तो साथ में आगे हम माइनस साइन भी डिनोट कर देते हैं, एंड दिस इज आर काउची रीमन इक्वेशन। इस इक्वेशन से ही हम निकालेंगे कि फंक्शन एनालिटिक है हमारा या नहीं है, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ओके? ये चीज़ हमें याद रखने वाली है। अब इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो हम लोगों ने काउची रीमन इक्वेशन पढ़ ली, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हम काउची रीमन इक्वेशन यानी CR इक्वेशन अगर हमको नहीं पता होती तो हम कभी भी फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है हम ये पता ही नहीं लगा पाते। तो सबसे पहले हम लोगों को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, अगर हम एनालिटिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले CR इक्वेशन पता होनी चाहिए। अब हमको CR इक्वेशन पता है, अब क्या हम इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि u वाला पार्ट कौन सा है और v वाला पार्ट कौन सा है हमारा, तो u वाला पार्ट सबसे पहले u वाला पार्ट मैं लिखती हूँ, ठीक है। u वाला पार्ट क्या है, x क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर प्लस 2xy, ये मेरा u पार्ट है, ओके? जो भी मैंने अभी आपको फंक्शन f z करके मैंने बताया था जिसमें u प्लस आयोटा v बताया था, तो u वाला पार्ट मेरे को दिख रहा है, ये हमारा u वाला पार्ट है, और v वाला पार्ट क्या होगा हमारा, जिसके साथ i है यानी इमेजिनरी पार्ट है आयोटा, ओके? तो ये हमारा v वाला पार्ट है। अब CR इक्वेशन में मैंने क्या चीज़ तुम आप लोगों को बताई थी, जिसमें u और v, x, अगर मैं इस तरीके से आपको डायग्राम बना के बता रही हूँ, इट मीन्स
इससे इक्वेशन आसानी से हम लोगों को याद हो जाती है और हम कंफ्यूज भी नहीं होते। तो CR इक्वेशन के लिए हमको चाहिए du/dx, ओके, du/dx इज इक्वल टू dv/dy, dv/dy। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम इन दोनों का, तो क्या होगा, du/dy इक्वल्स टू माइनस dv/dx। क्या इतनी चीज आई आप लोगों को समझ में? सिर्फ इसमें यह है कि हम इसमें माइनस साइन लगाते हैं, यानी अब सबसे पहले इस u से मैं इसके डिफरेंशिएशन से du/dy निकाल लूंगी, du/dx निकाल लूंगी। ठीक, तो सबसे पहले मैं निकालूंगी du/dx। du/dx में हम क्या करेंगे, जहां जहां हमको x दिख रहा है उन उन चीज़ों का हम डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक, और जहाँ जहाँ पे हमारा y है उसको हम अनचेंज रहने देंगे। जब हम y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y वाले पार्ट को चुनेंगे, यानी du/dx में क्या होगा, 3x² सिंपल डिफरेंशिएशन है हमारा, माइनस 3y² y वाला पार्ट अनचेंज रहेगा क्योंकि हम du/dx कर रहे हैं, इसलिए जब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 हो जाएगा हमारा। फिर से हम क्या करेंगे, 2y, ठीक, क्योंकि x वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे और y वाला पार्ट है वो अनचेंज रहेगा, du/dx हो गया। अब CR इक्वेशन में हमें du/dy भी चाहिए है, तो फिर हम क्या करेंगे, du/dy भी इसका निकाल लेंगे, du/dy, यानी अब हमें जहाँ पे y होगा y वाले पार्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और जहाँ पे x होगा उसको या तो अनचेंज रहने देंगे, अब इसके साथ हमें कोई भी y वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, इसको हम ज़ीरो कर देंगे, ओके। तो सबसे पहले ये ज़ीरो हो जाएगा, माइनस ये वाला पार्ट का डिफरेंशिएशन होगा यानी y² का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये 3 और इसकी पावर यहाँ जाएगी तो 2, यानी क्या हो जाएगा, 6xy हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा तो प्लस का 2x हो जाएगी क्योंकि y जो है वो 1 कर देगा हमारा, ठीक। अब हम इसी तरीके से v वाला पार्ट लेंगे, v वाला पार्ट यानी जो आयोटा के साथ है, तो वो क्या है हमारा, हम यहाँ से नोट कर लेंगे, 3x² y माइनस x² प्लस y² माइनस 3y³। एक बार मैं दूसरा वाला कलर ले लेती हूँ, ये हमारा v वाला पार्ट है। अब हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, dv/dx, स्टेप्स हमारे सेम रहेंगे, एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, एक बार हमारा y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा, यानी एक बार हम x की जगह पर डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 6xy, y वाला पार्ट अनचेंज रहेगा क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी पार्ट में तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, यहाँ पे किसी भी के साथ x नहीं है तो ये पूरा का पूरा हो जाएगा 0 और इसका भी पूरा का पूरा हो जाएगा हमारा 0। अगर इसके साथ x होता तब ये 0 नहीं होता, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, dv/dy चाहिए, dv/dy चाहिए, यानी अब हम y के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अब जहाँ जहाँ पे y होगा वो चीज़ें डिफरेंशिएट होंगी और जहाँ जहाँ पे x होगा वो अनचेंज रहेगा, यानी 3x² माइनस 0 प्लस 2y माइनस 3y का स्क्वायर, इतनी चीज आई। क्या हुआ, यहाँ पे स्क्वायर था, इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया और इसका सिंपल डिफरेंशिएशन कर दिया, और ये वाली जो चीज़ है जो कि ज़ीरो हो गई है क्योंकि इसके साथ कोई भी वाई का टर्म नहीं है, तो वाई डिफॉल्ट ये पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाएगा। याद रखना, जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर हमको सिंगली केवल एक्स और वाई दिया गया है तो वो पूरा का पूरा पार्ट ज़ीरो हो जाएगा, अगर मल्टीप्लाई में है यानी मल्टीप्लीकेशन में अगर वो दिया गया है तो वो अनचेंज रहेगा। ये 2-3 पॉइंट हैं जो याद रखने। अब हमको du/dx भी पता चल गया, dv/dx भी पता चल गया, du/dy भी पता चल गया हमको, यहां से है हमारा du/dy।
और डी डी वी अपॉन डी वाई भी पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है वो हमें पता करना है, वो हमारे लिए काउची रीमन इक्वेशन है। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। क्या होगा, सबसे पहली इक्वेशन डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी वाई, ठीक। सबसे पहला पार्ट हमारा ये है। तो सबसे पहले हमें डी यू अपॉन डी एक्स, हमारे डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स हमारा ये निकला हुआ है। तो मैं क्या लिखूँगी, 3x² माइनस 3y² प्लस का 2y, किसके साथ इक्वल करना है हमको, डी वी अपॉन डी वाई के साथ इक्वल करना है। तो मैं क्या करूँगी, इक्वल टू डी वी अपॉन डी वाई, ये है हमारा डी वी अपॉन डी वाई हमारा, तो क्या होगा 3x² प्लस का 2y माइनस का 3y². क्या मेरे को ये दोनों चीज़ें सिमिलर दिख रही हैं, ये दोनों इक्वल हो गई हैं, यानी हमारा एक पार्ट तो इक्वल हो गया है। अब हमको दूसरा वाला पार्ट भी कंपेयर करना है, जो काउची रीमन की दूसरी वाली इक्वेशन है वो ये है। उसमें हमारा क्या है, डी यू अपॉन डी वाई इक्वल्स टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक। अब यानी हमको डी यू अपॉन डी वाई चाहिए, यानी कि ये है हमारा डी यू अपॉन डी वाई, वो क्या है हमारा, एक बार दूसरा कलर ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो, उसमें क्या है -6xy प्लस का 2x, ठीक। अब दूसरा क्या है, डी वी अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स हमारा ये गिविन है, यही तो निकाला हुआ है हमने डी वी अपॉन डी एक्स। उसमें क्या करना है, सिर्फ हमको माइनस का मल्टीप्लाई कर देना है। तो माइनस का मल्टीप्लाई जब इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6xy हो जाएगा, और ये जो माइनस का है ये प्लस में हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा प्लस का 2x। क्या मेरे को ये दोनों चीज़ें इक्वल दिख रही हैं, बिल्कुल दिख रही हैं, यानी हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन हमारा एनालिटिक है, इट मीन्स फंक्शन इज एनालिटिक। और इसी तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन ख़त्म। अब मैं एक दूसरा और क्वेश्चन लूँगी जो कि हमारा RGVP में आया हुआ है। अब आप लोगों को एक बेसिक नॉलेज पता चल गई है कि कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे हम फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है ये चीज़ पता करते हैं। ये एक बहुत बेसिक वेरिएबल फॉर्म में था जिसमें x और y था। अब हम एक और क्वेश्चन लेंगे जिसमें हम पता, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में हमारा वो क्वेश्चन होगा और उसके थ्रू हम निकालेंगे फंक्शन हमारा एनालिटिक है या नहीं है। बट क्वेश्चन में हमको सिर्फ दो चीज़ें ही पता करनी है, जिसमें हमको सिर्फ दो चीज़ें पता करनी है। एक मिनट, पहला हमको CR इक्वेशन आनी चाहिए। अगर हमको CR इक्वेशन आती है तो आप लोगों को बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि फंक्शन एनालिटिक कैसे होता है और हम कैसे फाइंड करते हैं। दूसरी चीज, हमको डिफरेंशिएशन करना बहुत अच्छे से आना चाहिए। अगर हमको डिफरेंशिएशन में ही कन्फ्यूज़न है तो हम क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व नहीं कर सकते। एक और चीज़ कि हर क्वेश्चन को आप बहुत स्टेप बाय स्टेप करिए, ठीक है। यानी हमारा पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप हमारा होना चाहिए कि पहले हमें फंक्शन u प्लस आयोटा v कैसे डिफरेंशिएट करें। कोई भी अगर हमारा क्वेश्चन है तो u प्लस आयोटा हमें उसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, यानी u वाला पार्ट कौन सा है और v वाला पार्ट कौन सा है, पहली चीज़ हमको ये चीज़ आनी चाहिए। उसके बाद हमको डी यू अपॉन डी एक्स और डी वी डी यू अपॉन डी वाई और डी वी अपॉन डी एक्स और डी वी अपॉन डी वाई निकालना आना चाहिए। जब ये चीज़ें हो जाएंगी हमारी, फिर तो सिंपल है CR इक्वेशन। और CR इक्वेशन मैंने आपको याद करना बता दी है कि कैसे याद की जाती है, ओके। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन देती हूँ और उसको भी हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, ठीक है दोस्तों। तो हमने अभी एक क्वेश्चन किया जिसमें नॉर्मल XYZ के वेरिएबल के फॉर्म में हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अब ये दूसरा वाला क्वेश्चन है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में है, यानी साइन और कॉस के फॉर्म में है। ये क्वेश्चन हमारा RGVP भोपाल
के एग्जामिनेशन में, सेमेस्टर एग्जाम में आया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को देख के सबसे पहले तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन को देख के आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है ये वाला भी, इसमें भी वही चीज़ करनी है, यू और वी पार्ट को हमें डिफ्रेंशिएट करना है, फिर उनका डिफ्रेंशिएशन करना है और उसके बाद सी आर काउची इक्वेशन से हमें कंपेयर करना है, ओके। अब यहाँ पे तो पहले वाले क्वेश्चन में तो सिंपल हमें डिफ्रेंशिएट करते हुए पता चल रहा था कि यू वाला पार्ट कौन सा है और वी वाला पार्ट कौन सा है। अब इसमें बाहर ई टू द पावर एक्स है, तो इस ई टू द पावर एक्स का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई प्लस आयोटा ई टू द पावर एक्स साइन वाई हो जाएगा, ठीक। क्या अब मुझे पता चल रहा है, जो कि मेरा फंक्शन था जिसमें मैं आसानी से डिफरेंशिएट करती थी u और प्लस v वाले पार्ट को, कि अब मुझे पता चल रहा है कि फंक्शन जो z है उसमें u वाला पार्ट ये है प्लस आयोटा v वाला पार्ट ये है, यानी CR इक्वेशन तो वही रहेगी हमारी, क्या है, u और v और इसके नीचे x और y। क्या है सबसे पहले, पहली इक्वेशन क्या है, du अपॉन dx और dv अपॉन dy। ये कुछ नहीं है, सिर्फ ये याद करने का एक तरीका है जो ये एरो हमको बताते हैं, यानी पहली इक्वेशन में अगर मैं u के नीचे x लिखती हूँ यानी तो du अपॉन dx है, और v के नीचे y लिखती हूँ यानी dv अपॉन dy है। दूसरे वाले पार्ट में हमारा क्या होगा, हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा उसमें, du अपॉन dy होगा इक्वल्स टू, जब हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो साथ में बस माइनस का साइन लग जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, डी वी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। ये हमारी सी आर इक्वेशन है, ये आपको अगर इस तरीके से याद हो जाए तो बहुत बढ़िया है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमारी हमको याद रखनी है। अब हमको यू वाला पार्ट भी पता चल गया है, यू वाला पार्ट क्या है मेरा, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई है, ठीक, और वी वाला पार्ट क्या है हमारा, e टू दी पावर x साइन y है हमारा, ठीक। अब मुझे वही काम करना है जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में किया था, यानी u का डिफरेंशिएशन एक बार x के रिस्पेक्ट में करना है, एक बार हमें y के रिस्पेक्ट में करना है, तो मैं क्या करूँगी, du यू अपॉन डी एक्स, ठीक है, x यानी ये हमारा टर्म जो x है, और जो y वाला टर्म रहता है वो हमारा अनचेंज रहता है। याद रखना है हमको एक चीज़ कि जब हम e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करते हैं ना दोस्तों, तो वो e टू द पावर x ही होता है, यानी उसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, ठीक। तो क्या होगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर x ही रहेगा और cos y हो जाएगा। अब मुझे एक और चीज़ निकालनी है, वो क्या है, डी यू अपॉन डी वाई निकालना है, ठीक है। डी यू अपॉन डी वाई निकालना है, यानी अब मुझे वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है और एक्स वाला जो टर्म रहेगा वो अनचेंज रहेगा मेरा, तो क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर एक्स हो जाएगा, पर जब हम कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस का साइन वाई होता है दोस्तों। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, और मैं ये मान लेती हूँ कि आपको ये चीज़ें आती ही होंगी, ठीक। अब मेरे को डी यू भी पता चल गया और डी वाई भी पता चल गया, अब मैं यहाँ पे सेम चीज़ निकाल लूँगी, वो है डी वी अपॉन डी एक्स, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा और एक बार वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होगा। जब हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो चीज़ हमारी अनचेंज रहेगी, और जब हम एक बार y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x cos y, यानी sin y का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, cos y होता है। अब मेरे को ये सारी चीज़ें पता चल गई हैं, अब मेरे को कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए मैं इस ऊपर वाले पार्ट को एक बार रफ कर देती हूँ। अब देखो, पहली काउची रीमन इक्वेशन में पहली चीज़ क्या है, डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू में क्या है हमारा, डी वी अपॉन डी वाई है। डी यू मुझे पता है क्या है, डी यू ये है हमारा डी यू अपॉन डी एक्स, ये चीज़ें हमारी डी यू अपॉन डी एक्स, तो मैं इसको लिख लूँगी ई टू दी पावर एक्स सा एक मिनट कॉस वाई है दोस्तों, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
कॉस वाई, ई टू द पावर एक्स कॉस वाई है हमारा। अब डी वी अपॉन डी वाई, डी वी अपॉन डी वाई हमारा क्या है, वो है हमारा ई टू द पावर कॉस वाई। क्या ये दोनों चीज़ें हमें विजुअल दिख रही हैं कि इक्वल हैं, और हमको यही तो चाहिए था, सी आर इक्वेशन यही तो बोलती है, ये दोनों चीज़ें हमारी इक्वल होनी चाहिए। अभी तो एक ही पार्ट हमारा इक्वल हुआ है सी आर इक्वेशन का, अभी हमें एक और पार्ट इक्वल करना है, यानी ये वाला पार्ट। जब ये वाला पार्ट भी हमारा इक्वल हो जाएगा तब हम पूरी तरीके से बोलेंगे कि फंक्शन हमारा एनालिटिक है, ठीक है। अब दूसरा वाला पार्ट हमारा क्या कहता है सी आर इक्वेशन का, वो कहता है हमारा डी यू अपॉन डी वाई इक्वल्स टू में माइनस का डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो डी यू अपॉन डी वाई हमारा क्या है, वो है हमारा माइनस का ई टू दी पावर एक्स साइन वाई है हमारा, ठीक है। और डी वी अपॉन डी एक्स क्या है, वो है हमारा साथ में, लेकिन हमको लगाना है बाहर माइनस का मल्टीप्लाई करना है। जब हम इसके साथ माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस का ई टू दी पावर एक्स साइन वाई। क्या हमें ये दोनों चीज़ें फिर से इक्वल मिल गई हैं, यानी हम हमारी दोनों सी आर इक्वेशन कंपेयर करने पे इक्वल आ रही हैं। अब इसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ इस चीज़ को, कि हमारा जो फंक्शन है इट मीन्स फंक्शन इज एनालिटिकल, और हमको यही तो फाइंड करना था क्वेश्चन में कि हमारा फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है। अब आप लोगों के मन में एक और डाउट आ रहा होगा कि मैम अभी तो क्वेश्चन में ना इक्वल आ गया, मान लो अगर इक्वल नहीं आती, मान लेते हैं ये दो इक्वेशन है इक्वल नहीं आती, ये वाली इक्वेशन इसकी जगह पे माइनस आ जाता तब हम लिख देते और हमारी एक इक्वेशन इक्वल आ जाती मैम, तो हम क्या लिखते, हम लिखते फंक्शन इज इट मीन्स फंक्शन इज नॉट एनालिटिकल, इज नॉट एनालिटिकल। सी आर इक्वेशन का सिर्फ यही काम होता है दोस्तों कि वो हमको ये चीज़ बताती है कि क्वेश्चन हमारा एनालिटिक है या नहीं है, इसके अलावा सी आर इक्वेशन से कोई भी डायरेक्ट कभी क्वेश्चन नहीं बनता है, ठीक है। सी आर इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ फंक्शन एनालिटिक है हमारा या नहीं है इसके लिए काम आती है, इसके अलावा सी आर इक्वेशन पे इंडिविजुअली कोई भी क्वेश्चन कभी फॉर्म नहीं होता है हमारा, ठीक। अब हम अगले वीडियो में ये देखेंगे कि फंक्शन एनालिटिक होता है, ये चीज़ तो अब हमें पता चल गई, लेकिन सी आर इक्वेशन को कंपेयर करके हम कैसे कांस्टेंट पता करते हैं, ठीक है, यानी एनालिटिक कांस्टेंट। एक और क्वेश्चन फॉर्म होता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी, फाइंड द कांस्टेंट, फाइंड द एनालिटिक कांस्टेंट, इस तरीके का भी एक क्वेश्चन फॉर्म होता है। थैंक यू दोस्तों।